में दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों ने 14 मीडिया एंकर्स के शो में अपने प्रतिनिधियों को ना भेजने का फैसला किया है। इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा था कि न्यूज एंकरों को इस तरह लिस्ट जारी करना नाजियों के काम करने का तरीका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन 9 चैनलों में 14 एंकरों का बहिष्कार करके मीडिया को धमका रहा है। इसके बाद सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेपी नड्डा को संबोधित करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित न करके हर भारतीय पत्रकार का बहिष्कार किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 14 एंकर्स का बहिष्कार करना कैसे गलत हो सकता है, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का माउथ पीस बनकर मीडिया की नैतिकता से समझौता कर लिया हो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा था कि अभी इन पार्टियों के अंदर इमरजेंसी के वक्त की मानसिकता बनी हुई है। पंडित नेहरू ने फ्री स्पीच को कमजोर किया, इंदिरा गांधी इस तरह के काम करने की गोल्ड मेडलिस्ट थी और राजीव गांधी ने मीडिया को काबू करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। बता दें, इंडिया गठबंधन की ओर से फैसला लिया गया कि टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, सुशांत सिंह, रूबिका लियाकत, प्राची प्रासर, नविका कुमार, गौरव सावंत, अशोक श्रीवास्तव, अर्णब गोस्वामी, आनंद नरसिम्हन, उमेश देवगन, अमन चोपड़ा और आदित्य त्यागी के शो में कोई भी दल अपना प्रवक्ता नहीं भेजेगा। कांग्रेस ने प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी थी, जिसके बाद लगातार राजनीतिक बवाल मचने लग गया और बात यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्री जर्नलिज्म की होने लगी, जिस पर लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही और कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही। और यहां पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है पत्रकारों को बहिष्कार करने का आरोप लगाया गया है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।